में एक बात आई और आप रिनासा रिनासा पीरियड को आपने सुना होगा जो इटली में 14वीं शताब्दी से शुरू हो गया और इंग्लैंड में वो 16वीं शताब्दी तक पहुंचा। उनके दिमाग में ये बात आई कि हम इतने संपन्न राष्ट्र हैं, दुनिया के इतने बड़े भूभाग पर हम शासन करते हैं, हमारे पास साहित्य क्या है। तब उनके दिमाग में आया कि सिर्फ धन कमाना या सिर्फ साम्राज्य बढ़ाना ये किसी राष्ट्र का पहचान नहीं बन सकता है। और इसी बात को WB8 से लेखक है आयरलैंड का, उसने कहा था, आयरलैंड बहुत छोटा सा देश है, WB8 ने कहा था कि एक दिन आयरलैंड को आयरिश लिटरेचर की वजह से दुनिया में पहचाना जाएगा। और यदि आप आयरलैंड के 3-4 बहुत नामचीन लेखक हैं उनकी कृतियों को आप पढ़ेंगे तो लगता है कि दुनिया के अगर बड़े देशों और बड़े साहित्यकारों को हम एकत्रित करें तो शायद उनके पैरेलल खड़ा होने की स्थिति में है। उनमें एक WB8 का बहुत प्रमुखता से नाम आता है। अब आ जाइए उस किताब पे जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला 1948 में। किताब की शुरुआत हुई क्योंकि किताब इसलिए लिखी गई थी, सुबेरे मैंने अपने बात में शामिल किया था कि ज्ञान यूरोप में प्रोफेशनल था, ज्ञान से उन्हें कमाने का साधन ढूंढना था। अगर हमारे देश में देखेंगे तो ज्ञान हमारे यहाँ कमाने के साधन के रूप में नहीं लिया गया, ज्ञान हमारे यहाँ सार्वभौमिक रूप से लिया गया था कि अगर आप इंसान हैं तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए। अब उसका आउटकम क्या है, आपको उससे लाभ क्या होता है, लाभ को हमें नहीं देखना था। इसीलिए हमारे यहाँ के जो ज्ञानी लोग रहे या जो ज्ञान की परंपरा हमारे यहाँ रही, वहाँ कभी व्यक्तिवाद नहीं आया कि ये मेरा है, लेकिन उनके यहाँ आ गया क्योंकि उसका कोई प्रोफेशनल कनेक्शन था। तो जब उन्होंने इस किताब को लिखना शुरू किया तो इस किताब के पीछे की मंशा ये थी, थीम ये है कि उन्होंने पश्चिमी देशों का जब सर्वे किया तो उनको ये दिखा कि पूरा का पूरा पश्चिमी देश कंज्यूमर, थोड़ा सा अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल होगा, कंज्यूमरिस्ट कल्चर में ये होता है कि कोई चीज़ आपके लिए तभी तक यूजफुल है, कोई चीज़ आपके लिए तभी तक आवश्यक है जब तक कोई यूजफुल है, जहाँ वो यूजलेस हुआ उसको फेंक दें, मतलब आपको कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता है। तो वो पूरी की पूरी यूरोपीय संस्कृति भौतिकवादी जीवन जी रही थी। प्रभाव उसका ये था कि यूरोपीय संस्कृति अपने विनाश के कगार पे खड़ी थी, और चूंकि T.S. एलियट अपने आप को एक नेशनलिस्ट भी मानते हैं और उन्होंने कभी इंग्लैंड को ये नहीं बोला कि व्हेनेवर ही टॉक अबाउट ट्रेडिशन एंड कल्चर देन ही टॉक्स अबाउट एंटायर यूरोप, जब वो कल्चर और ट्रेडिशन की बात करते हैं, क्योंकि कल्चर पे जितना व्यापक रूप से T.S. एलियट ने लिखा है, ट्रेडिशन पे जितना व्यापक रूप से T.S. एलियट ने लिखा है उतना कम लोगों ने लिखा है, तो पूरे यूरोप की बात करते हैं, वो कभी इंग्लैंड की बात नहीं करते हैं। तो उनको उन्होंने अच्छा समझने के लिए T.S. एलियट को इसलिए कठिन है क्योंकि वो किसी बात को सीधे तौर पर नहीं कहते। आपको कुछ कहना होगा तो उसके लिए मैं कोई मिथ खोज लूँगा, कोई मेटाफर खोज लूंगा, कोई सिंबल खोज लूंगा, तो इसलिए उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने फायर सर्मन को लॉर्ड बुद्धा का अपने 3rd कैंटो में इस्तेमाल किया, जिससे वो ये बताना चाह रहे थे कि आज यूरोपीय संस्कृति लस्टफुल लाइफ जी रही है और पूरी की पूरी यूरोपीय सभ्यता आध्यात्मिकता से काफी दूर हो गई है। अब वह दिन दूर नहीं है जब यूरोपीय सभ्यता विनष्ट हो जाएगा, और इसीलिए मानते हैं कि यह कविता, यह कविता एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है और इसका 3/4 पेसिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी है, 3/4 तक लगता है कि T.S. एलियट के पास कोई यूरोपीय सभ्यता को बचाने का रास्ता नहीं बचा है। लेकिन जब 1/4 में आते हैं व्हाट अ थंडर सेड, वहां पे उन्होंने एक ब्रह्मा का उपदेश है, एक राजा ब्रह्मा के समक्ष उपस्थित हुए और बोले महाराज मेरे राज्य में सूखा पड़ गया है और प्रजा मर रही है, बारिश नहीं हुआ है, इसलिए पृथ्वी की उर्वरता और उत्पादकता खत्म हो गई है। वो बात चल रही थी, संवाद है ब्रह्मा और राजा के बीच का, उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उदाहरण है कि आकाश में लाइटनिंग और थंडरिंग होती है, लाइटनिंग और थंडरिंग इस चीज की साइन है कि रिसरेक्शन इज पॉसिबल, आपका पुनर्जीवन संभव, रिसरेक्शन इज पॉसिबल। तो उसके बाद T.S. एलियट ने वहां से वो पूरी लाइन को उठा लिया
बृहदारण्यक उपनिषद किस लाइन को उसने उठाया और पूरा अगर आप पढ़ेंगे कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िए, तो लास्ट उसका जो चार लाइन उसने लिखा दत्ता दयात्मा दम्यता। अब आप समझिए कि टीएस एलियट को कौन समझेगा, यूरोप का आदमी नहीं जानता है कि दत्ता दयात्मा दम्यता क्या होता है, इंडिया का आदमी नहीं जानता है कि जर्मन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, फ्रेंच का मतलब क्या होता है, लैटिन का मतलब क्या होता है, ग्रीक का मतलब क्या होता है। उस किताब में लैटिन जर्मन ग्रीक फ्रेंच मतलब हम आपसे कहें तो दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जिसका मिथ या मिथोलॉजी को उसने एक्सप्लॉयट नहीं किया। लास्ट में उसने बृहदारण्यक उपनिषद का उदाहरण दिया है और लिखा है कि दत्ता दयात्मा दम्यता ओम शांति शांति शांति। आपको ये वहां से सीखना है, आप जाइए यूरोप, आप जाइए इंडिया, इंडिया की ये बृहदारण्यक उपनिषद में ये चीजें दी हुई हैं। अगर यूरोपीय संस्कृति को हम विनाश से बचाना चाहते हैं, अगर यूरोप के हम प्रवर्तक हैं, पुरोधा हैं, संरक्षक हैं, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि भारत के उपनिषद की ये उक्ति हमें जन जन तक पहुंचानी होगी। दत्ता का मतलब होता है क्योंकि दूसरे को दी, दयाधमा का मतलब होता है कि सिंपैथी दूसरे पे सहानुभूति रखिए, दम्यता का मतलब होता है कि कंट्रोल संस्कृत का शब्द है, दूसरे को दीजिए दूसरे पे दया कीजिए और आप नियंत्रण रखिए। यह तीन मंत्र हैं जो किसी भी भौतिकवादी संस्कृति को, अगर कोई देश है जो भौतिकवादी संस्कृति में जी रहा है तो उसको बचाने का इससे बेहतर कोई और रास्ता दुनिया के न तो किसी साहित्य में है, न किसी आध्यात्म में है, न किसी दर्शन में। तो क्योंकि हमें नहीं पता है, हम गर्व अपने पे करें भी तो कहाँ से करें, क्योंकि तो हमारे दिमाग में तो ये डाल दिया गया कि नर्सरी राइम अच्छी है, शेक्सपियर अच्छा है, अच्छा है। हम लोगों ने ये कहना शुरू किया कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, उन्होंने कभी नहीं कहा कि शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड, अंग्रेजों ने ये बात कभी नहीं कही। अगर आप ड्रामेटर्जी की तुलना करेंगे तो कालिदास इज फार सुपीरियर टू शेक्सपियर इन कंपैरिजन टू शेक्सपियर। अगर दोनों की हम तुलना करें तो कालिदास की ड्रामेटर्जी शेक्सपियर की ड्रामेटर्जी से बेहतर, लेकिन अंग्रेजों ने कभी नहीं कहा क्योंकि हमारी गुलामी की मानसिकता थी, इसलिए हमने कहा कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। थोड़ा सा विज्ञान की बात करेंगे फिर एनिटी होता सुना पाऊंगा। विज्ञान भारत का बहुत ही उन्नत स्थिति में था, सवेरे रिजवान साहब ने इसको रेफर किया कि यदि पुष्पक विमान था इसका मतलब एविएशन की सर्विस इंडिया में थी, इसका मतलब कि कालांतर में वो जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे देश से गायब होगी क्योंकि हमने उसको संरक्षित नहीं किया या उसको कोई हम इस तरह की पॉलिसी नहीं बना पाए कि यह तकनीकी हमारे देश की हमारे साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में भी इसका प्रचार प्रसार हो, ये हमारी मानसिकता नहीं थी। तो पुष्पक विमान इस चीज को प्रमाणित करता है। दूसरी चीज, पुष्पक विमान का स्पीड पता है क्या था स्पीड उसका, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ पुष्पक विमान? पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। अभी आप अपने मन से जहां सोच लीजिए पुष्पक विमान उतने देर में वहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब आज भी 21वीं शताब्दी में हमारे पास ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है फ्लाइंग एविएशन के क्षेत्र में जो मन की गति से चलता, इसका मतलब उस समय का विज्ञान हमारा बहुत उन्नत था। तीसरी चीज, गणित के क्षेत्र में आइए, चूंकि अब विद्यार्थी चल गए हैं तो बहुत बात करने का मौका नहीं है क्योंकि उन्हीं के लिए था। श्रीनिवास रामानुजन बहुत गरीब परिवेश का आदमी, और जब श्रीनिवास रामानुजन को 19वीं शताब्दी के बहुत प्रतिष्ठित ब्रिटिश मैथमेटिशियन हार्डी नाम था उनका, उनकी एक थियरम हाथ लगी और 10वीं तक का पास आ गया। श्रीनिवास रामानुजन की शिक्षा उस समय 10th की थी। अब आप सोचिए कि आपकी ज्ञान परंपरा और एजुकेशन सिस्टम क्या रही होगी कि दुनिया के प्रतिष्ठित गणितज्ञ के थियरम को भारत का एक न जाने जाने वाला युवा जिसे कोई नहीं जानता था उसने कहा कि इस थियरम में ये कमी है। यह बात हमें ये बताती है कि हमारे ही देश में नहीं दूसरे देश में भी ये परंपरा थी कि ज्ञान कहीं भी हो उसको ग्रहण करिए। हार्डी ने उस बात को बुरा नहीं माना बल्कि श्रीनिवास रामानुजन को ब्रिटिश मैथमेटिकल सोसाइटी का ऑनरेरी फेलो अपॉइंट किया गया और वो ब्रिटिश फेलो के रूप में इंग्लैंड गए, कुछ दिन वहाँ रहे फेलोशिप के रूप में। तो आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः
यह सिर्फ हमारे देश में नहीं था, यह एक उन सारे लोगों का जिनका दृष्टिकोण व्यापक है, ज्ञान कहीं भी हो किसी के पास भी हो, ज्ञान पे किसी का कोई एकाधिकार नहीं है, वह किसी की विरासत नहीं है, ज्ञान उसी का होगा जो उसको चाहेगा, जो उसके लिए मेहनत करेगा, वो उसको बहुत सहजता से और सरलता से मिल जाएगा। आप हम आखिरी बात आपसे कह रहे हैं मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में आज आप देखेंगे कि इतनी सारी डिसिप्लिन है। अगर हम मेडिसिन की बात करेंगे तो मेडिसिन के अपने सब कम से कम 5 डिसिप्लिन बन गए, लेकिन अगर आप एंशियंट भारत में जाइए, प्राचीन भारत में जाइए, 8वीं-9वीं शताब्दी की बात करिए, सुश्रुता की बात करिए, आप चरक की बात करिए, तो किताबें चरक और किताबें सुश्रुता ये अरबिक में ट्रांसलेटेड था, दुनिया के बहुत सारी भाषाओं में ये किताबें ट्रांसलेटेड थी, और भारत में कैटरेक्ट का ऑपरेशन और सिजारियन पद्धति का इस्तेमाल सुश्रुता ने किया हुआ। इसका मतलब हम मेडिकल साइंस में भी बहुत पीछे नहीं थे, हमारी ज्ञान परंपरा या हमारे शिक्षा का जो क्षेत्र था वो मेडिकल साइंस में भी काफ़ी व्यापक था। बस जरूरत इस बात की रही कि उसको हम संरक्षित करें, प्रमोट करें, वो हमसे कहीं ना कहीं इतिहास में गलती हुई है, जिसकी खामियाजा हम भुगत रहे हैं, जिसके लिए आज इसकी ज़रूरत पड़ गई कि भारतीय ज्ञान परंपरा को युवाओं से परिचित कराया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहता है आपका DSC सेमेस्टर 1 में 3 जो DSC हम 4-4 क्रेडिट के हैं, UGC कहता है कि आपके पूरे प्रोग्राम में एटलीस्ट 5 क्रेडिट ऑफ IKS, देयर शुड बी एटलीस्ट 5 क्रेडिट फॉर IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए 5 क्रेडिट का प्रोविजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किया है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत सरकार और हमारी व्यवस्था, हमारी शिक्षा पद्धति में IKS कितना महत्वपूर्ण जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसको वो डिजर्व करता है, जिसको वो डिजर्व करता है। आप बिल्कुल ये ना सोचें, बिल्कुल ये ना माने कि सारे ज्ञान का शुरुआत यूरोप से हुआ। जैसे आज हम अंग्रेजी साहित्य को आप देखेंगे तो 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड अंग्रेजों का अपना कोई साहित्य नहीं, अगर अंग्रेजी के आप विद्यार्थी हैं तो 14वीं-15वीं शताब्दी में ऐसा कोई भी एक ब्रांच ऑफ लिटरेचर नहीं है, जिसको हम जानर ऑफ लिटरेचर बोलते हैं, जो इंग्लिश हो, कोई लैटिन है, कोई ग्रीक है, कोई फ्रेंच है, कोई जर्मन है, कोई भी, कोई इटालियन है, लेकिन इंग्लिश एक भी नहीं है। लेकिन 400 साल के अंतराल में उन्होंने दुनिया को ये साबित किया कि हम दुनिया में सिर्फ साम्राज्यवादी देश के रूप में श्रेष्ठ नहीं है, साहित्य के दृष्टि से भी हम दुनिया के नंबर 1 देश हैं। इतने सारे साहित्यकारों ने कंट्रीब्यूशन किया और उन्होंने अपने देश को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां तक वो कभी उनका सपना था 14वीं शताब्दी में, कितने संपन्न देश का साहित्य इतना कमजोर है। ठीक है, अब आखिरी बात वही, मैं NEP की बात कर रहा था, NEP समग्रता को लिए हुए है, देखिए हम बहुत तरीके से इसको नया इसलिए नहीं बोल सकते हैं।